हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूँ प्रतीक, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले श्री रेणुका शुगर लिमिटेड शेयर के बारे में। आज हम जो है इसका डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। इसी के साथ इसके टेक्निकल चार्ट पे जो है अभी कुछ दिनों से गिरावट हो रही है। ये शेयर जो था अपसाइड पर जाता जा रहा था, लेकिन अभी जो है उसमें रुकावट आ चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, डाउन साइड मोमेंटम जो है वो चल रहे हैं। इसी के साथ मार्केट भी थोड़ा सा प्रेशर में है, वो भी एक इसका रीज़न है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ तक ये जाके रोकेगा और हमें जो है राहत मिलेगी। तो शुरू करेंगे हम फंडामेंटल से। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 10,000 करोड़ है, तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, लेकिन बुक वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जा चुकी है। 4.82 की इसकी जो है बुक वैल्यू है नेगेटिव में, जो कि एक बहुत बुरी है। मतलब नेगेटिव में अगर बुक वैल्यू हो तो ये कंपनी के बारे में सबसे बड़ा फ्लो है। अगर हम बात करें इसके करंट प्राइस की तो 49 की करंट प्राइस है। करंट प्राइस में जो था अपर सर्किट की वजह से जो था लगातार इसमें जो है अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका था। अगर हम देखें इसकी तो आरओसी जो है वो 15.7 है, तो आरओसी अच्छा खासा है, लेकिन कंपनी पे कर्जा भी अच्छा खासा है। 4,861 का इनका डेप है। अगर हम प्रोस की बात करें तो कोई भी पॉइंट्स नहीं है, कॉन्स में 2 पॉइंट्स है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और सेल्स ग्रोथ जो है वो भी लो है। लास्ट 5 ईयर्स की -10% जो है वो हो चुकी है। मतलब जो है इतने फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बता रहे। अगर हम बात करें बिजनेस की तो शुगर का बिजनेस है और इट प्रोडक्ट्स शुगर इथेनॉल और पावर एक्सेट्रा जो इनका बिजनेस चलता है। मतलब एक बात करें तो इनका ओवरऑल बिजनेस जो है वो अपनी इंडस्ट्री में ये फर्स्ट नंबर पर रैंक करती है। शुगर इंडस्ट्री इनकी आती है, सेकंड पे EID पैरी है और फर्स्ट पे ये कंपनी जो है वो आती है श्री रेणुका शुगर। तो अपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है शुगर इंडस्ट्री की, ये हम ऐसा कह सकते हैं। आ जाते हैं इनके, अगर हम दिसंबर में प्रॉफिट देखें 43 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बनाया था, उससे पहले 97 करोड़ का लॉस किया, 240 करोड़ लॉस, 44 करोड़ लॉस। तो एज़ कम्पेयर टू पास तो ये प्रॉफिट जो है वो अच्छा है 43 करोड़, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी लॉस बड़े करती है, प्रॉफिट छोटे करती है, लॉस बड़े करती है, प्रॉफिट छोटे करती है। मतलब 97 करोड़ का लॉस किया, उसके कंपेरिजन में 43 करोड़ का प्रॉफिट किया, 240 करोड़ का भी यहाँ पे लॉस किया था, उसको रिकवर कब करेगी कंपनी। मतलब यहाँ पे लॉस बढ़ते हुए जा रहे, ऐसा हमें इससे पता चल रहा है। और इस बार का लास्ट रिजल्ट जो है वो अच्छा है, लेकिन अगर पास चेक करें तो इतना अच्छा नहीं है। सेल्स की बात करें, सेल्स इंक्रीज़ हुई है, ये एक पॉजिटिव साइड पे जाती है। 2000 की इनकी सेल्स बनी है, जो कि ऑल टाइम हाई पे ही हमें यहाँ पे देखने को जो है वो मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से। अगर हम देखें तो इसके TTM का प्रॉफिट -339 करोड़ है, उससे पहले 115 करोड़। तो इतने अच्छे प्रॉफिट कंपनी बना नहीं रही है, लॉस मेकिंग कंपनी बनती हुई जा रही है। 2020 में इन्होंने प्रॉफिट किया था 2099 करोड़ का, उसके बाद 2 साल कंपनी लॉस किया, उससे पहले भी कंपनी लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब सब लगातार 2012 से लेकर अब तक एक ही बार कंपनी ने जो है प्रॉफिट दिखाए, तब से लेकर मतलब 2000 लगभग 10 सालों में कंपनी ने सिर्फ एक बार प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है। मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने अच्छे चल रहे हैं और कितने नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3% है DTM की, और उस प्राइस में जो है 370% की ग्रोथ आई है। जैसे मैं बताया इसमें अपसाइड मोमेंटम था, तो इसका अगर हम कंपेयर करें तो सेल्स -3 पे जा चुके हैं। अगर हम देखें तो सेल्स प्रॉफिट जो है वो इक्वल है, और इसका जो स्टॉक प्राइस ईजीआर वो बहुत आगे जा चुके हैं। मतलब 100 टाइम्स जो है वो इससे आगे ट्रेड करे, 300 और 3 में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, जो कि बहुत बुरी बात है। स्टॉक प्राइस ईजीआर में यहाँ पर रिस्क बहुत अवेलेबल होता है। अगर प्रॉफिट्स और सेल्स नहीं बढ़ रही है और कंपनी की सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, मतलब फंडामेंटल्स ग्रो नहीं कर रही और सिर्फ प्राइस में ग्रो कर रही है, तो ये बुरी बात होती है, ये ध्यान में रख के चलना है। एसेट्स थोड़े से कम हो चुके हैं, 6,000 से 5,900 तक आ चुके हैं, उससे पहले 9,000 थे, उससे पहले 12 थे, 13 थे, तो यहाँ पे जो उल्टी सिचुएशन जाते हुए दिखेंगे। नेट प्रो कैश फ्लो की बात करें तो 32 का नेगेटिव में। प्रोमोटर्स की बात करें तो 62% शेयर प्रोमोटर्स के पास है, FS के पास 2% है, DIS के पास 10% है, पब्लिक के पास 24% है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 4% से लगभग। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 58 से लेकर 62 तक प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग लेके आ चुके हैं, जो कि एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। पब्लिक के पास कम शेयर से FIDI दोनों भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो इसके हिसाब से इसके प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पे आ जाए तो यह है इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट पे ये सडनली रिवर्स हो चुका है। मतलब ये अपसाइड चलता जा रहा था लगभग 34 के वैल्यू से 60, मतलब लगभग 100 लोगों के यहाँ पे प्राइस जो होती दुगना हो चुकी थी होल्डिंग, लेकिन वहाँ से ये जो है डाउन साइड चलता जा रहा है, तो लोग यहाँ पे पैनिक भी हो रहे और बेच भी रहे। अगर हम देखें इसके जो मोमेंटम चेक कर लेते हैं, 33 का यहाँ पे बेरिश मोमेंटम है, जिसमें मैंने बताया यहाँ पे सडनली चेंज हो गया, इसकी वजह से इसका मोमेंटम जो है वो बुरा हो गए। तो बुरे मोमेंटम की वजह से यहाँ पे चेकलिस्ट भी बुरी है, 14 नेगेटिव 9 पॉजिटिव। और आ जाते हैं इनके अगर हम एनालिसिस करें, लेकिन एनालिसिस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो 18 एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ है, 3 एनालिसिस बाय की तरफ है।
मतलब 18 मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें 26 में से 18 एनालिसिस अगर स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ है, थ्री बाई की तरफ है, वन होल्ड की तरफ है, वन सेल की तरफ है और स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ थ्री है, तो ओवरऑल जो वोट आ रहा है वो बाई की तरफ ही आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ ही वोट आ रहा है जो कि पॉजिटिव बात है। एनालिसिस यहाँ पे हमें बाई की तरफ वोट करने के लिए बता रहे हैं। पब्लिक वोट भी चेक करेंगे हम, पब्लिक वोट को क्यों छोड़े। पब्लिक वोट की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक वोट 77% बाई की तरफ, 12% सेल की तरफ और होल्ड की तरफ 9%। तो लोगों का मूड यहाँ पे बाई की तरफ ही है, हमें यहाँ से पता चल रहा है। टेक्निकल चार्ट पे भी अभी मोमेंटम थोड़ा सा बुरा है, लेकिन टेक्निकल से हमें बाई की तरफ वोट करना यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं। अभी आज भी इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन आज पूरा मार्केट प्रेशर में, इसकी वजह से जो यहाँ पे कोई न्यूज़ या फिर फंडामेंटल्स नहीं चलते। यहाँ पे अगर मार्केट प्रेशर में है तो सारे ही शेयर्स यहाँ पे डाउन जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर मार्केट जो डाउन साइड जाते हैं तो वो रिकवर भी जल्द से जल्द हो ही जाता है। मार्केट जो है वो लगातार नीचे ही नहीं जाएगा, कभी ना कभी सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ ही आने वाला है। मार्केट जो है वो ओवरऑल उतनी वैल्यू का रहता है जितनी उसकी जो है वो वैल्यू बनती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट डाउन की वजह से जो डरना नहीं है, उसके पीछे बिल्कुल भी बड़ी रीजन नहीं है मार्केट फॉल की वजह से, और उसकी वजह से हमें यहाँ पे डरना नहीं है। 47 के यहाँ पे जो सपोर्ट भी नजर आ रहा है, इतना सपोर्ट अगर मैं आपको दिखा दूँ तो पास ही सपोर्ट है, पिछला रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बनता हुआ हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट बनेगा बस इसे मार्केट की साथ भी मिलनी चाहिए। अगर मार्केट जो यहाँ पे न्यूट्रल भी होता है तो इसका सपोर्ट ये शेयर ले सकता है, लेकिन मार्केट अगर एग्रोफ्यूल सेलिंग ही कर रहा है तो उसको जैसे यहाँ पे भी ब्रेक लगाना जो है मुश्किल हो जाएगा, सपोर्ट लेना मुश्किल हो जाएगा और ये डाउन भी जा सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।